नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि राजस्थान सर्किल में 3262 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 21 जुलाई रखी गई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। जितने भी स्टूडेंट्स के कट ऑफ को लेकर डाउट्स है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे क्या रह सकती है इस बार की कट ऑफ और पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, और जॉब एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान ग्रामीण डाक सेवक भर्ती से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए दोस्तों, कट ऑफ को लेकर विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो स्क्रीन पर आपको ये रिजल्ट दिख रहा है दोस्तों, ये 2018-19 का रिजल्ट है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, कुछ नाम को मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों, वो मिनिमम कट ऑफ है दोस्तों। सबसे पहले देखिए अजमेर रीजन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जनरल की कट ऑफ देखिए क्या रही थी। सबसे पहले यहाँ देखिए जो हाईलाइट हो रखा है, प्रमोद कुमार 95 दोस्तों, ये मैक्सिमम कट ऑफ है, ठीक है, अजमेर रीजन की। नीचे देखिए बात करेंगे क्या क्या कट ऑफ रही थी विस्तार से। ये देखिए दोस्तों, बात करते हैं एससी के टेगरी के लिए। देखिए सबसे कम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो 87 कट ऑफ रही थी अजमेर रीजन के अंदर। वहीं एससी की बात करते हैं तो 79 कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ है, ठीक है। नीचे देखिए आगे चलते हैं, यूआर की देखिए अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो सबसे कम कट ऑफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, 91.2 कट ऑफ रही थी। जो ऊपर भी बात की हमने 95, तो दोस्तों 91 सबसे कम कट ऑफ है। 91 से ऊपर जो कट ऑफ आएगी तो उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। नीचे देखिए और बात करते हैं अन्य जो जिलों के बारे में, किस किस जिले की कितनी कट ऑफ रही थी दोस्तों। मेन मेन जिले लिए हैं, सभी जिलों के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। भीलवाड़ा के बारे में बात करते हैं, यहाँ देखिए ओबीसी की कट ऑफ देखिए 89 कट ऑफ रही थी, ठीक है। कम से कम कट ऑफ है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। इससे ऊपर जितने भी कट ऑफ है, जितने भी नंबर है, उनका तो नंबर कन्फर्म आएगा ही, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं, एस्ट की कट ऑफ देखिए 81 रही है। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 87 कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की देखिए 85 कट ऑफ। वहीं बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए तो 82 कट ऑफ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 74 कट ऑफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कट ऑफ में काफ़ी अंतर है, कहीं कहीं कट ऑफ 90 के पास जा रही है, वहीं कहीं कहीं कट ऑफ देखिए आप भीलवाड़ा की कट ऑफ देख सकते हो एसटी की 74 के पास कट ऑफ रही है, 74.2 कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे है, कई जिले उनमें कट ऑफ काफ़ी हाई है तो कई जिलों में काफ़ी कम है। कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ देखिए एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए, तो ये देखिए 81 कट ऑफ है, ठीक है एससी के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जो इसका पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो क्या रिजल्ट रहा था किस किस जिले का, ठीक है, और उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं देखिए चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो देखिए दिलीप सिंह ये देखिए 86.2, ठीक है 86.2 कट ऑफ है चित्तौड़गढ़ के लिए यूआर की, ठीक है दोस्तों। अन्य जिलों की बात करते हैं, मेन मेन जिला कोटा की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ देखिए कोटा की बात करते हैं तो एससी के लिए देखिए सबसे पहले कट ऑफ देखिए 82 कट ऑफ है, ये दोस्तों सबसे कम कट ऑफ है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं कोटा के अंदर ही बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ के लिए, तो 85.8 कट ऑफ रही थी सबसे कम कट ऑफ की बात कर रहे हैं दोस्तों। इससे ऊपर जितने भी नंबर हैं सबके नंबर आएंगे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं यूआर की कट ऑफ के बारे में, जनरल के लिए बात करते हैं, तो देखिए कोटा की कट ऑफ देखिए 86.5 रही थी। चलिए दोस्तों आगे कोटा में ही बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो 80.33, ठीक है दोस्तों 80.33 एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रही थी, ये दोस्तों सबसे कम कट ऑफ है, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अब जयपुर सिटी के बारे में, जयपुर सिटी में क्या कट ऑफ रही थी। उससे पहले दोस्तों अलवर की बात करें एक बार, तो देखिए अलवर में एसटी की कट ऑफ देखिए 78.83। तो दोस्तों आप देख सकते हो कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे हैं, कई जिलों के अंदर कट ऑफ 90 के आसपास है, वहीं कई में 80, 75, 74 भी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एसटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ 79.8 अलवर की कट ऑफ है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे जयपुर की तरफ की, जयपुर में क्या कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में काफ़ी हाई कट ऑफ रही थी, ठीक है। ये देखिए जयपुर सिटी की बात करते हैं, यूआर की देखिए सबसे पहले 89 कट ऑफ है सबसे कम कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। ये जयपुर की 89 कट ऑफ है सबसे कम कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। ये जयपुर की बात कर रहे हैं यहाँ, वहीं जयपुर में देखिए सॉरी दोस्तों यूआर की देखिए 88 कट ऑफ जयपुर सिटी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पिछले साल की कट ऑफ दोस्तों, 2018-19 का रिजल्ट आपने देखा दोस्तों। कट ऑफ देखिए आपने कहाँ 74 से लेकर 95 तक
कट ऑफ जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग सिटीज की बात है ये, तो कहीं कट ऑफ कम तो कहीं कट ऑफ ज्यादा है। तो दोस्तों इस बार बात कर लेते हैं क्या रह सकती है कट ऑफ, किस किस को फॉर्म फिल करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ SC ST के बारे में। तो अगर आपके 70 या 75+ नंबर है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं OBC के टैगरी के लिए, तो 80 या 85 के पास आपके नंबर है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, आपके भी चांसेस बन रहे हैं। और बात करते हैं UR की जनरल कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों अगर आपके 85 या 90 के पास में अगर आपके परसेंटेज है 10th में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों, आपके चांसेज है। और दोस्तों वह तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर निर्भर करता है, आप किस जिले से फॉर्म भर सकते हो, वहाँ से कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके इसके आसपास नंबर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके चांसेस बन सकते हैं।